नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष शर्मा। इस समय भारत में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप चल रहा है। टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन कर रही है, 6 के 6 मैच जीत चुकी है टीम इंडिया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। लेकिन वर्ल्ड कप चल रहा है, दूसरी निगाह आईपीएल पर भी है, क्योंकि दिसंबर में होना है मिनी ऑक्शन और मिनी ऑक्शन से पहले 15 नवंबर तक जो सारी की सारी टीमें हैं उन्हें जो खिलाड़ी रिटेन कर रहे हैं उनकी लिस्ट बीसीसीआई को सौंपनी है। तो वर्ल्ड कप के साथ साथ आईपीएल का आगाज हो चुका है, जो आईपीएल का माहौल है वो बनना शुरू हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी खबर सामने आई है और ये बड़ी खबर आई है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी क्या आईपीएल 2024 में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इसका जवाब उन्होंने खुद ने दिया है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ने एक इवेंट में कहा है कि देखिए, अभी मेरी घुटने की इंजरी हुई थी, सर्जरी हुई है, उसके बाद अब नवंबर तक का मेरे पास टाइम है, मैं देखूंगा कितना ठीक हो रहा हूं। अगर मैं ठीक हुआ तो ज़रूर आपको आईपीएल खेलते हुए दिखाई दे सकता हूं, अगर नहीं हुआ तो आपको फैंस के बीच में मैं मैच देखता हुआ दिख जाऊंगा। तो सवाल ये है कि महेंद्र सिंह धोनी, देखिए उन्होंने इशारों में कह दिया है कि वो फिटनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो फिट हो रहे हैं। और महेंद्र सिंह धोनी जिस तरीके से, आप सभी को पता है कि उनकी जो फिटनेस है वो काफ़ी अच्छी होती है, वो काफ़ी लगातार फिटनेस वाली जो एक्सरसाइज है वो करते हैं। यही नहीं, अब कहा यह जा रहा है कि नवंबर से वो मैदान में उतरना स्टार्ट कर देंगे, मैदान में मतलब प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे और उसके बाद पता चलेगा कि वो आईपीएल खेलने के लिए तैयार है कि नहीं है। इससे पहले आईपीएल 2023 फाइनल जब महेंद्र सिंह धोनी की टीम जीती थी, तब जब महेंद्र सिंह धोनी से पूछा गया था कि क्या ये उनका आखिरी आईपीएल है, तब भी उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, ये मेरा आखिरी आईपीएल नहीं है। इसके बाद जो चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ है काशी विश्वनाथ, वो भी कई बार मना कर चुके हैं। उनकी पत्नी साक्षी धोनी, वो भी कई बार कह चुकी है कि उनका अभी ऑपरेशन हुआ है, वो फिटनेस अभी हासिल कर रहे हैं और उनका खेलना पक्का नहीं है, लेकिन वो नहीं खेलेंगे ऐसी भी कोई बातचीत है नहीं। तो महेंद्र सिंह धोनी, क्या आपको लगता है कि 2023 के बाद 24 में भी चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बना पाएंगे? क्या महेंद्र सिंह धोनी ही कप्तान होंगे या महेंद्र सिंह धोनी अपने अंडर किसी दूसरे कप्तान को ग्रूम करना चाहेंगे, उसे आगे बढ़ाना चाहेंगे? क्योंकि जिस हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ ने कप्तानी करी थी, एशियन गेम्स में गोल्ड जिताया था, उसके बाद से लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि टीम इंडिया को गोल्ड जिताने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के वो अगले कप्तान हो सकते हैं। क्या कोई दूसरा भी है महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा, क्या कोई दूसरा ऑप्शन भी है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी को मैदान पे देखने के लिए आप कितने उत्सुक हैं और क्या आप चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी एक साल और खेले, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वहीं अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।